नोएडा से बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की जहां पुलिस के हत्थे चढ़े वाहन चोर। बड़ी खबर इस वक्त की, तीन वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में, गैंग का सरगना भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 14 कार बरामद। तो गैंग का सरगना भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, बड़ी खबर इस वक्त की। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में तीन वाहन चोर, पकड़े गए आरोपियों के पास से 14 कार बरामद। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हालांकि जिस तरीके से वाहन चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाला औजार इनसे बरामद किया गया है उसकी तस्वीर देखिए। गैंग के सरगना वाहिद पर 44 केस दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, नोएडा से जहां तीन वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गैंग का सरगना भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बहुत शातिर गैंग है और हम लोगों ने इसमें तीन लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो इस गैंग का लीडर है डॉक्टर वाहिद, इसके ऊपर लगभग 50 मुकदमे हैं और एनसीआर का वन ऑफ दी नोटेड नोटोरियस ऑटो लिफ्टर गैंग्स में से है। तीन लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं और इन तीनों के पोजीशन से हम लोगों ने 10 गाड़ियां बरामद की हैं। इन लोगों के द्वारा 4 गाड़ियां और भी उठाई गई थी नोएडा से, उन गाड़ियों को भी कहीं ना कहीं से हम लोगों ने रिकवर किया है। अभी इस प्रकार इस गैंग के द्वारा 14 गाड़ियां अभी हम लोगों ने तत्काल में हाल में रिकवर किया है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग के कब्जे से 14 गाड़ियां बरामद हुई हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तमाम जो गाड़ियां हैं ये थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं और इन गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर इलाके से चोरी किया जा रहा था। जिस गैंग को पकड़ा गया है उस गैंग का सरगना डॉक्टर वाहिद पिछले काफी समय से गाड़ियों की चोरी कराने में, उनको कबाड़ी के यहाँ कटवाने में और उनके पार्ट्स बेचने के काम में लगातार लिप्त था। तो उसी की निशानदेही पर ये बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस गैंग के कुछ साथी मेरठ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो 4 वो साथी और बाकी अन्य साथियों को मिलाकर अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। और बढ़ते आगे बुलंदशहर की नर्सरी।